आईसीएसई क्लास 10 चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट फर्स्ट में दिया गया है कि फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द एपी। हमें एपी गिवन है 3, 8, 13 एंड लास्ट टर्म दिया गया है 253। सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हमें फर्स्ट टर्म नोट करना होगा जो कि दिया गया है 3। एक वैल्यू क्या है 3। देन कॉमन डिफरेंस फाइंड करना होगा। तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हम सेकेंड टर्म में से फर्स्ट वाले को माइनस करेंगे, यानी कि 8 - 3 जो कि आ जाएगा आपका 5। एंड लास्ट टर्म यानी कि ln निकालने का फार्मूला होता है L - n - 1 × d। ठीक है, यानी कि इंड से पीछे से nth टर्म निकालने का फार्मूला हमारे पास आया L - n - 1 × d। ठीक है, यहाँ पे L मतलब होता है लास्ट टर्म, L मतलब क्या है लास्ट टर्म, L का मतलब है लास्ट टर्म। ठीक है, तो सबसे पहले लास्ट टर्म हमें दिया गया है 253। हमसे बोला गया कि फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, यानी कि n की वैल्यू क्या है, n इक्वल टू है 20। तो इस फार्मूले को यूज करके हम L20 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। L20 यानी कि लास्ट टर्म कितना है 253 माइनस n के प्लेस पे लिखेंगे 20 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस 5, यानी कि हो जाएगा आपका 253 माइनस 19 इंटू 5, यानी कि 253 माइनस 95, यानी जब इसको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 851, यानी 158 जो हमारा है वो इस एपी का लास्ट टर्म होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट फर्स्ट का सॉल्यूशन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट सेकंड। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट सेकंड, क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट सेकंड में बोला गया है कि फाइंड द 12th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। देखिए, फ्रॉम द लास्ट पहले क्वेश्चन में था, इसमें है फ्रॉम द एंड, दोनों का मतलब सेम है, लास्ट बोले या फिर एंड बोले, फार्मूला वही है ln = L - n - 1 × d। इसी फार्मूले को यूज करके हमें सॉल्व करना है अपने क्वेश्चन को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट सेकेंड में हमें फर्स्ट टर्म दिया गया है -2 एंड सेकेंड टर्म दिया गया है -4। तो हम कॉमन डिफरेंस जब फाइंड करेंगे तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करने का फार्मूला होता है कि दूसरे में से हम पहले वाले को माइनस करते हैं, यानी कि -4 में से -2 को माइनस किया जाएगा। तो -4 - -2 यानी आपका हो जाएगा -4 + 2 यानी कि -2। तो इस गिवन एपी में -2 हमारा कॉमन डिफरेंस है एंड ln लास्ट टर्म दिया गया है -100, लास्ट टर्म आपको दिया गया है -100। हमें फाइंड करना है 12th टर्म, यानी कि n की वैल्यू क्या है 12। तो इन सभी डाटा को हम अपने इस वाले फार्मूले में क्या करेंगे, पुट करेंगे, और पुट करके सॉल्व करेंगे तो हमारा 12th टर्म फ्रॉम द एंड से आ जाएगा। ठीक है, यानी कि L12 = L - n - 1 × d, यानी कि -100 - 12 - 1 × -2, ये आपका हो जाएगा -100 - 11 × -2 यानी कि -100 + 22। देखिए, माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा प्लस, यानी कि जब -100 में से +22 को माइनस करेंगे तो आएगा आपका -78, यानी कि इस गिवन एपी का 12th टर्म फ्रॉम द एंड होगा -78। ये क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट सेकंड का सॉल्यूशन था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है कि हमें एक एपी गिवन है -4/3 - 1 - 2/3 - 4 and 1/3। ठीक है, ये एपी हमें गिवन है, हमें फाइंड करना है द सम ऑफ द 2 मिडिल मोस्ट टर्म ऑफ द एपी। इस एपी के 2 मिडिल मोस्ट टर्म का सम फाइंड करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले पता करना होगा कि इस एपी में टोटल कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, यानी कि फर्स्ट टर्म हमें दिया गया है -4/3 एंड an दिया गया है
फोर राइट वन बाई थ्री यानी कि 13/3। ठीक है, तो इसमें टोटल हमें सबसे पहले पता करना होगा कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, कितने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें गिवेन हैं। सबसे पहले हम कॉमन डिफरेंस पता कर लेंगे। कॉमन डिफरेंस यानी कि डी हमें दिया गया है -1 -1/3, यानी आपका हो जाएगा -1 --+4/3, यानी कि 3 LCM -3+4 1/3। यानी इस AP का जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 1/3। फर्स्ट टर्म हमें दिया है -4/3 एंड AN टर्म गिवन है 13/3। तो AN टर्म फाइंड करने जो फार्मूला होता है A+N-1 × D, इस फार्मूले के यूज से हम इसमें पता करेंगे टोटल कितने नंबर ऑफ टर्म्स गिवन हैं, टोटल कितने नंबर ऑफ टर्म्स हमें दिए हुए हैं। तो AN टर्म है यहाँ पे 13/3 है, फर्स्ट टर्म आपका है -4/3 एंड N-1 एंड कॉमन डिफरेंस है -1/3। यहाँ हमें पता करना है N की वैल्यू, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो 13/3 इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि 13/3 के साइड में -4/3 को शिफ्ट करेंगे, यानी कि जब इसका हम साइड चेंज करेंगे जो कि माइनस में दे रखा है तो क्या हो जाएगा +4/3 = N-1 -1/3। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो जब इनको हम एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो 3 हमारा एलसीएम होगा, 13 + 4/3 = आ जाएगा N-1 - 1/3। यानी जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई है, कॉमन डिफरेंस आपका पॉजिटिव है 1/3 है और मैंने यहाँ पे निगेटिव पुट कर रखा है, तो इसको आप लोग करेक्ट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 13 + 4/3 = N-1 1/3, यानी कि 17/3 = N-1 × 1/3। जब इसका हम 3 का साइड चेंज करेंगे तो ये होगा 17/3 × 3 = N-1, एंड 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 17 = N-1, यानी कि आपका N हो जाएगा 17+1, यानी कि N आ जाएगा 18। यानी कि गिवन AP में टोटल जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो कितने हैं, N की वैल्यू है 18। इस AP में टोटल 18 टर्म्स हैं, जो N है वो एक इवन नंबर है, क्या है, एक इवन नंबर है। इसलिए इस वाले AP में हमें 2 मिडिल टर्म्स मिलेंगे, कितने मिलेंगे, 2 मिडिल टर्म मिलेंगे जिनको फाइंड करने का फार्मूला है N/2 + N/2+1। यानी अगर आपका N जो टोटल नंबर ऑफ टर्म है ऐसे क्वेश्चन में इवन नंबर आता है तो मिडिल टर्म फाइंड करने का फार्मूला है N/2 + N/2+1 टर्म। ठीक है, यानी कि जो मिडिल टर्म होगा आपका 18/2 एंड 18/2+1, यानी कि 9th एंड 10th, यानी कि जो 9th और 10th टर्म है ये 2 आपके मिडिल मोस्ट टर्म है इस AP के, एक 9th टर्म है दूसरा है 10th टर्म, तो हमें उनका सम फाइंड करना है, 9th टर्म का एंड 10th टर्म का सम फाइंड करना है। तो सम फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले 9th और 10th टर्म को फाइंड करना होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, तो इस AP में 9th एंड 10th टर्म को फाइंड करना होगा। तो 9th टर्म निकालने का फार्मूला होगा A9 = A+9-1 × D, यानी कि फर्स्ट टर्म आपका दे रखा है -4/3 + 9-1 यानी कि 8 × 1/3, यानी हो जाएगा -4/3 + 8/3, यानी कि 3 - 4 + 8 = 4/3 यानी -4 + 8/3 = 4/3। एंड जो सेकेंड टर्म है हमारा वो है 10th टर्म, यानी कि A10। तो A10 फाइंड करने के लिए जो फार्मूला है A+10-1 × D, यानी कि आपका A दे रखा है -4/3, 10-1 यानी कि 9 × 1/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा -4/3
प्लस 9 बाई 3। जब इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आएगा 3 माइनस 4 प्लस 9 यानी कि 5 अपॉन 3। एंड जो टेंथ टर्म होगा होगा 5 बाई 3। तो हमें इन्हीं दो टर्म्स ए 9 और ए 10 का सम फाइंड करना है, यानी कि सम ऑफ मिडिल टर्म क्या हो जाएगा। तो ए 9 प्लस ए 10 यानी कि 4 अपॉन 3 प्लस 5 बाई 3 यानी हो जाएगा एलसीएम लेके सॉल्व करने पे 3 एलसीएम 4 प्लस 5 यानी कि 9 अपॉन 3 जो कि आएगा आपका आंसर 3। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। थैंक यू।